अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा था क्योंकि मौसम इतना सुहाना था, रिमझिम हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू के पराठे बनाए जाएँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रेसिपी दी थी, शेयर की थी, कटलेट्स आलू के। बस उसी के साथ ही मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड काम मैं ही कर सकती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन कर सकता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे नाश्ता हमने लगा दिया, बस नाश्ता करेंगे। तो अभी किसी ज़रूरी काम के लिए हमें बाहर जाना था और ये ज़रूरी काम आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपने बस अपनी दुआओं में याद रखना है और इंशाल्लाह काम जैसे ही खैर खैरियत से हो जाता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आपने अपनी दुआओं का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। तो बस आज मौसम ऐसे ही था, कहीं पे रिमझिम थी और कहीं पे सिर्फ धूप थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड्स गीली हैं, तो इसका मतलब बारिश हुई है लेकिन सूख गई है। तो आप लोग बताएं आपके शहरों में बारिश हुई है कि नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ लाहौर शहर की सड़कें आपको। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएँगी। और जो जिन का भी लाहौर आना हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग लाहौर आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि मैं तो कभी भी कहीं पर भी नहीं गई। इवन कि आप लोग ये कहना कि मैंने यहाँ लाहौर भी पूरा घूमा होगा, तो वो भी नहीं घूमा। तो जी अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो जगह का अंदाज़ा लगा के ज़रूर आप पहचान सकते हैं, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मेरा व्लॉग सब देखते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं मतलब रिवील करना की परमिशन मिल जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे पापा अंदर ऑफिस में बात करने गए थे, तो मैंने सोचा उतनी देर वीडियो क्यों ना कंटिन्यू कर ली जाए कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। कल मेरा पेपर है, तो आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मेरे सब पेपर अच्छे हुए हैं और आगे भी पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे पापा बात कर रहे हैं और मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी सी बिल्डिंग की वीडियो बना लूँ। मुझे जगह का भी नहीं पता कि कहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो जी ट्रैवल एजेंसी वालों ने हमें यहाँ पे भेज दिया, दूसरे ट्रैवल एजेंसी वालों ने। तो हम यहाँ पे पता करने आए थे कि क्या मतलब सिस्टम है सब चीज़ों का, क्या नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने गए थे। जिस दिन हम पूरा काम करने जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि क्या चीज़ का करने जा रहे हैं और क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस थी, तो बस पापा बस वहीं पर पता करने जा रहे हैं कि क्या मतलब चल रही है, रेंज चल रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब मसले मसाइल आए हैं लोगों की फ़्लाइट्स में डिले में। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट्स कहाँ कहाँ जाती हैं। तो जी वो लोग यहाँ पे पापा बात कर रहे थे और ये लोग भी पापा को बता रहे थे कि कोरोना की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इन लोगों को। और ये भी बता रहे थे कि अब पहले तो मतलब काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब सब चीज़ें नॉर्मल वे पे आती जा रही हैं। तो बस पापा इन्हीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, ये अंकल से भी और सबसे, और बस इन्फॉर्मेशन लेने आए थे हम। बस इंशाल्लाह ताला जैसे ही काम फ़ाइनल होगा, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, आगाह कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम मतलब मैंने सोचा कि आपको बाहर से भी इसका इंटीरियर का व्यू दे दूँ। तो मैंने अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो मैंने कहा कि आपको शाम का नज़ारा भी क्यों ना दे दी जाए। आप मुझे बताएं ये वाली प्लेस किस किस ने लाहौर में देखी है। ये गोल चक्कर है लाहौर का और काफ़ी फेमस गोल चक्कर है। यहाँ पे काफ़ी पुराना प्लेन क्रैश हुआ है, मतलब शायद ना जब हमारी इंडियन के साथ वॉर हुई थी तब का ये प्लेन यहीं पे क्रैश होके यहीं पे मतलब उन्होंने फ़िक्स कर दिया। तो इस हसीन शाम की मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ी सी फुटेज दिखा दूँ। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये हमारी, अल्लाह ताला के नज़ारे हैं खूबसूरत जो हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। तो जी अब घर आके थोड़ा सा खाने का भी करना था, तो फटाफट मामा ने खाना बना रही हैं। तो मैंने तो बस ये दिखाने के लिए आपको दिया कि क्या बना रही हैं। तो बहुत ही मज़ेदार मसाले की खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाए। बस खाना जल्दी से बन रहा है और फिर आपके साथ मतलब फ़ाइनल व्यू दिखाते हैं कि क्या बना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ खाना बन के तैयार हो चुका है, तो मैंने सोचा आपको खाने का आफ्टर व्यू दे दूँ। तो ये देख लें, यहाँ पे बना है बड़ी लजीज तरीन आलू गोश चावल और साथ सैलड बना लिया और यहाँ पे रायता बना लिया है। तो ये थी हमारी आज की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।